अरे अरे कहाँ ध्यान है आपका, वो ट्रेन निकली जा रही है। ये बात देखने में जरा सी लग सकती है, पर आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल भी बन सकती है। हो सकता है कर्मचारी की नजरों से किसी कोच या वैगन में कोई ऐसा दोष निकल जाए जिससे ये ट्रेन आगे जाकर रुक सकती है, लेट हो सकती है, जिसका असर दूसरी गाड़ियों पर भी हो सकता है, ये दुर्घटना का शिकार भी हो सकती है। ट्रेन के स्टेशन पर आने या वहां से गुजरने पर होने वाली ये जांच, जिसे हम रोलिंग इन और रोलिंग आउट परीक्षण कहते हैं, एक अहम जांच होती है। ये परीक्षण हर पैसेंजर या फ्रेट ट्रेन के आखिरी छोर या रास्ते में निर्धारित जगहों पर किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान गाड़ी के स्टेशन या यार्ड में आने से पहले या जिस लाइन पर ट्रेन आ रही है उसके दोनों तरफ तकनीशियन को अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए और बड़ी एकाग्रता से ट्रेन पर नजर रखनी चाहिए। और इस दौरान आपको अपनी चार इंद्रियों का इस्तेमाल बखूबी करना चाहिए ताकि कोई भी दोष या कमी आपसे बचकर ना निकल सके। ध्यान से देखें, अपनी आंखों से गौर से देखें कि कोचों में कोई लटका हुआ लूज या खतरनाक पार्ट तो नहीं है। ब्रेक बीम हैंगर टूटा हुआ होना, हैंगर तथा हैंगर पिन गायब होना, BSS हैंगर पिन गायब होना। कोच या वैगन का कोई पार्ट गायब तो नहीं है। एक्सल बॉक्स विंग का टूटकर गिर जाना, ट्रॉली फ्रेम का क्रैक होना, प्राइमरी सस्पेंशन के ऊपर लगी ट्रॉली फ्रेम की टॉप प्लेट का टूटा होना, सेकेंडरी सस्पेंशन हेलिकल स्प्रिंग का टूटा होना, फुटबोर्ड का मुड़ा होना, ब्रेक डिस्क के लग का टूट जाना। गौर से देखें कि ट्रेन के किसी कोच या वैगन के ब्रेक्स तो जाम नहीं हैं। ध्यान से सुने, अपने कानों से गौर से सुने कि चक्कों से फट फट की आवाज तो नहीं आ रही। ये आवाज फ्लैट प्लेस होने पर आती है, बेयरिंग या किसी दूसरे पार्ट से कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही, ब्रेक सिस्टम से कोई एयर लीकेज तो नहीं है। ध्यान से सूंघें और सूंघें के कहीं कुछ जलने की गंध तो नहीं आ रही। ये ग्रीस के जलने या ब्रेक ब्लॉक के जलने की गंध हो सकती है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कुछ खास परीक्षण, लेजर गन से बेयरिंग के तापमान की जांच जरूर करें, अंडर गियर सेफ्टी फिटिंग्स की जांच करना कभी ना भूलें, व्हील टैप करके आवाज सुने कि व्हील से तेज आवाज आ रही है या दबी हुई, यदि दबी आवाज आए तो ब्रेक लगे हो सकते हैं, यदि ट्रेन इंजन बदला जा रहा है तो सावधानी से कोचों को मैनुअल रिलीज करें, ट्रेन गार्ड से बीपीसी और अन्य कागज प्राप्त करें। रोलिंग आउट परीक्षण, इसी तरह किसी स्टेशन से बनकर चलने वाली या उस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों का रोलिंग आउट परीक्षण भी किया जाता है, और रोलिंग इन की तरह ही तकनीकी स्टाफ प्लेटफॉर्म के खत्म होने के बाद लाइन के दोनों तरफ अपनी पोजीशन लेते हैं और यहां भी जांच करते हैं कि किसी कोच के ब्रेक जाम तो नहीं है, किसी कोच से कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं कोई पार्ट लटका हुआ तो नहीं जा रहा है। रोलिंग इन और रोलिंग आउट में कई बातें हैं जो आपको करनी चाहिए और कई बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। ये करें,
चलती गाड़ी के परीक्षण के दौरान गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखें। रोलिंग इन परीक्षण ध्यान पूर्वक और सतर्कता के साथ करें। यदि गाड़ी को आगे की यात्रा करनी है तो उसका रोलिंग आउट परीक्षण भी अवश्य करें। रोलिंग आउट परीक्षण में यदि ट्रेन में कोई खराबी दिखाई दे तो ट्रेन गार्ड को सूचित कर ट्रेन रुकवा कर खराबी दूर करें। रात्रि के समय अच्छी तरह से देख पाने के लिए टॉर्च आदि से रोशनी की उचित व्यवस्था रखें। यदि कोई असाधारण आवाज सुनाई दे या कोई अन्य खराबी दिखाई दे तो अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर को तुरंत सूचित करें। सर, 14 नंबर पे गाड़ी आई है, उसमें इंजन पार्ट 18 नंबर पे आ जाइए। हाँ ठीक है, बलवान मैं आ रहा हूँ। आप स्वयं निर्णय न लें, ये न करें, कभी भी नशे की हालत में ड्यूटी न करें। रोलिंग इन और आउट परीक्षण के दौरान अपना ध्यान इधर उधर न भटकने दें। व्यस्त ट्रैफिक वाली लाइंस पर कभी भी बराबर वाली पटरी पर बैठकर परीक्षण न करें। जल्दबाजी न करें और कोई भी शॉर्टकट तरीका न अपनाएं। तो देखा आपने कितना अहम रोल है आप तकनीशियनों का। आपकी वजह से ही लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं सुरक्षित, समय पर और बिना किसी परेशानी के। अपनी एकाग्रता यूं ही बनाए रखिए और हर ट्रेन के सफर को खूबसूरत बनाते रहिए।